सरकार जो है वापस ले ली। देखिए ये संघ पूरी तरीके से, ये भारतीय जनता पार्टी और संघ की जो दूरी बनी थी उसको ठीक करने का प्रयास है ये, उसको कि एक हमारा रिश्ता ठीक हो जाए, पर ये देश के लिए ठीक नहीं है, राष्ट्र के लिए ठीक नहीं है। ये पूरे सरकारी तंत्र का संघीकरण किया जा रहा है, लोगों को हाफ पैंट निकर पहनाने का काम किया जा रहा है। बहुत ही स्वागत योग्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, समाज को कभी बट्टे नहीं देना चाहिए, समाज भाईचारे की। आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, अलग अलग लोग सब लोग हैं, सब एक भाईचारा, एक परिवार है, मिलकर ये समाज काम करता है, समाज में कभी विघटन नहीं होना चाहिए। सर सर, कृषि को लेकर के, किसानों को लेकर के बड़ा उम्मीदें थी बजट से, इस बार जो है 1.5 लाख करोड़ रुपये कृषि सेक्टर में दिया गया है। नहीं, कृषि सेक्टर में आप देखिए, कोई भी खाद का दाम कम हो रहा हो, बीज का दाम कम हो रहा हो, सिंचाई की व्यवस्था पे कुछ दिया हो, ट्रैक्टर पे दिया हो, जितने भी हमारे समझ से जितने भी खेती में सामान जो भी लगते हैं, जो भी मशीनें लगती हैं, किसी पे मुझे लगता है कि कोई भी छूट और कोई भी रियायत नहीं दी गई। किसान सबसे परेशान रहता है, ज़्यादा बरसात हो गई तो धान ख़त्म, कम बरसात हुई तो धान नहीं होगा, सब्जी ख़त्म हो जाएगी। किसान सबसे परेशान रहता है, जो मूल है, इस देश का बैकबोन है, उसको सबसे ज़्यादा सुविधा देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि सरकार किसान विरोधी है, ये केवल कॉरपोरेट के लिए बनी है, कॉरपोरेट का काम। एक आखिरी सवाल ले लीजिए, संघ जो MLC हैं आजमगढ़ में कह दिया कि छोटा बड़ा अधिकारी तो छोड़िए, छोटा अधिकारी भी नहीं सुनता। नहीं, वो तो लगातार इनके लोग बोल रहे हैं, उसका कारण है कि जो आज जो सरकार चल रही है, जिस तानाशाही तरीके से सरकार चल रही है, आपने कल एक देखा इनके आदेश को, जो आदेश था कि आप होटल और ढाबों पर नाम लगाइए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको रोक लगाई है, हम सब लोग स्वागत करते हैं। तो ये केशव मौर्य और प्रकाश राजभर, देखिए ये पूरी तरीके से सत्ता के लिए ललायत है, आम जनता में ये मैसेज चला गया। पहले ये था कि भाजपा के लोग सत्ता के लिए नहीं ललायत हैं, ये व्यवस्था परिवर्तन करने आए हैं, ये व्यवस्था परिवर्तन नहीं करने आए हैं, ये सत्ता की मलाई काटने आए हैं। अब वो जनता समझ चुकी है, और मलाई इनको जनता जो इनके हाथ से ले चुकी है, अब ये चाहे वो ओमप्रकाश राजभर हों, चाहे वो केशव मौर्य हों, ये सब लोग एक ही थाली के चट्टी बट्टे हैं। योगी जी की कुर्सी रहेगी कि आपको लगता है जाएगी? अब ये तो उनका दुरूनी मामला है, मुझे लगता है कि ये लड़ाई और बढ़ती जा रही है, और केशव मौर्य की लड़ाई आज की नहीं है, ये तो पहले से चली आ रही थी। CM बनना चाहते थे, बनाए नहीं मोदी जी ने, योगी जी को बना दिया, और योगी जी को बनाकर अब सिराथू में भी हरवा दिया इन लोगों ने। तो वो सारा पुराना दर्द है वो निकल रहा है, मुझे लगता है कि वो फुंसी जो है वो कैंसर का रूप ले ली है, और आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी, ये जनता समझ गई कि केवल सत्ता लोलुप है, सत्ता के लिए सत्ता में बनी ये शासन कर। ठीक है, ठीक बोले सर, आज का बजट आपने देखा कैसा रहा आज का बजट? नहीं देखिए, ये केवल और केवल देश की जनता को केवल भ्रमित करना, भ्रमित डालना, और जनता को, पूरे देश की जनता को केवल और केवल उनको भ्रमित करना, यही बजट है। बजट में कोई दम नहीं है, न महंगाई की बात आई, न काम की बात आई, न स्वास्थ्य और शिक्षा की बात आई है, केवल और केवल एक सब्ज बाग दिखाया जाता है, जो हर बार दिखाया गया इस बार भी दिखाया गया। युवाओं को काफ़ी रियायत दे गई, नौकरी पहली बार करने पर उनको 5,000 रुपये मासिक भत्ता देने की बात कही गई। योजना बढ़ा दी, बिहार हाईवे के लिए 26,000 करोड़ रुपये, आंध्र प्रदेश के विकास के लिए 15,000। अरे भाई, मैंने कहा महंगाई पर कोई बात हुई है? बेरोजगारी पर बात हुई है? रोजगार रहेगा तब ना आप रोजगार की बात कर रहे हो। नौजवानों के लिए, केवल नौजवानों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, देश की जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए सब्ज बाग दिखाया जा रहा है। कोई ठोस चीज़ ऐसी चीज़ हो जिसको ले। अरे हाईवे तो हमेशा बन रहे हैं, हाईवे तो बहुत से बना रखा है इन्होंने, हाईवे टूट रहे हैं रोज़, आप देख लीजिए। तो बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए काफ़ी बड़ी रियायत दी गई है, काफ़ी पैसा दिया गया है, तो क्या लग रहा है कि सरकार भी बहुत जा रही है उसको कंट्रोल करना? अब देखिए, ये बिहार को दे दें, झारखंड को दे दें, यूपी को दे दें, अब जनता जो आज देख रही है इनको हटाना चाहती है। अब ये निश्चित तौर से आम जनता के हित के लिए, एक भी क्या बनारस के लिए कोई भी एक भी कोई कल कारखाना आया है, कोई फैक्ट्री का अनाउंसमेंट हुआ है यूपी के लिए, कुछ हुआ है? मुझे नहीं लगता है कुछ भी किए, जब प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में कुछ नहीं दे पा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये पूरा बजट निरर्थक है, और जनता को केवल भ्रमित करने के लिए। उत्तर फॉर एक्सक्लूसिव एंड इनसाइटफुल वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर न्यू चैनल ABP Live Premium।